हे गाइस, एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो मैं चाहता हूँ अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। 4 लाख के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो प्लीज 4 लाख करा दो मेरे भाई। एंड वीडियो को एंड तक देखो, अगर मजा ना आता है तब बोलना। ये है अनिरुद्ध पाठक। लाओ भैया पैसा दो। पैसा चाहिए आपको? आपकी पत्नी को बताएं कि आप बगल वाली औरत के साथ खेला। नए हैं तो यहाँ नहीं, वहाँ जाइए, आपको वहाँ मिलेगा हॉस्टल का पता। जाइए। नाम बोलिए। अनिरुद्ध पाठक सर। अरे आपका तो हॉस्टल डी में पड़ा है, फंस गए आप तो लूजर्स के हॉस्टल में जाके। अभी भी समय है, चेंज करवा लीजिए हॉस्टल। हम संस्कारी लौड़े हैं, मतलब लौंडे हैं, हम कहीं भी पढ़ लेंगे भैया। नहीं, हरामी लौंडे है ना वहाँ के, लौट के नहीं आए तो बोलना। जाओ, तुम्हारी मर्जी, एक बार आजमा लो खुद को। लगता है यही हॉस्टल है। अबे साले कौन घुसा बैठा है साला? ए मेरी कमोड देगी क्या? अबे साले पागल वागल है क्या? अरे मेरी कमोड दे देना एक बार। भैया कौन सी जगह है ये? हॉस्टल है कि सलमान खान का घर है? तुम कहो तो मेरी कम्मो, मैं इसको सलमान खान का घर भी बना दूं। एक वरिया बिचाया रा, एक वरिया कम्मो कम्मो। अजीब ही चूतड़ो साले, हट। क्या रे फादर जात, हॉस्टल में नया है क्या? हाँ भैया नया हूँ। खड़ा होता है क्या? कुछ नहीं, चेक कर रहा था जेंडर। तू छक्का है, चल जा आराम कर। मेरी कम्मो? कोई बात नहीं कम्मो, मैं हूँ ना कम्मो, आ जाना रात को मेरे रूम में। अबे साले चूतिये चूतड़ साला, कब शांत रहेगा तू सिक्सा? भाई चल, तुझे अभी एक लड़के से मिलाता हूँ जो कि तेरे कैटेगरी का है, अंदर ही बैठा है, चल। हाँ चलो चलो, हम भी तो मिले जरा, हमारे जैसा है कौन। माफ करना लेकिन ये चंपू मेरे जैसा है। मुझे चंपू बोला मम्मी। अबे शिक्षा ये रोने क्यों लग गया? इसको बहुत दिन से मैंने दिया नहीं है, आजा मेरी चम्मा देता हूँ आज तुझे। चुप बकरलंड शिक्षा, अरे इसकी आदत हो गई है मम्मी बोलने की, चलो सो जाओ बाय। हाँ आ रहा हूँ यार, इतनी रात को कौन आ गया? चम्मो चलना नहाएंगे साथ में। अबे चूतिये तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? ऊपर से नहाने की बात करता है, अजीब इंसान है तू भी। चम्मो टेंशन मत ले, सबका इंतजाम है, तू बस हाँ बोल। अबे छक्के दूर रह साले। आजा ना कम्मो। अबे दूर रह, मैं बता रहा हूँ तुझे। मेरी कम्मो तुझसे दूर नहीं रह जाता, मेरी कम्मो। चिपकियो मत, बता रहा हूँ गांड फाड़ दूंगा। दूर रह मेरे से, दूर रह, चिपकियो मत साले। कम्मो मेरी बदन को देख, तेरे भी बदन में आग लगा दूंगा, देख कम्मो देख। अबे तू छक्का गिरी कब बंद करेगा? अबे जाना इधर से। कम्मो मार मत, कम्मो मार मत, जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कम्मो मार मत यार। साला अजीब ही छक्का, अब तो मुझे डर भी लगने लग गया है इस हॉस्टल से, निकल साले। उसने सही कहा था, मैं इस हॉस्टल में नहीं टिक पाऊंगा, कल ही जाके चेंज करा लूंगा हॉस्टल भगवान। अरे सुबह सुबह इतना तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी कम्मो तू क्या हॉस्टल चेंज कराई कि मेरे रहते हुए? हाँ मैंने क्या कमी होने दी तुझे, बता। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है शिक्षा। जा बे फादर जात, कोई फायदा नहीं है, जाके एक बार ट्राई कर ले। बहुत आए बहुत गए, किसी का स्विच नहीं होता, तेरा घंटा होगा, जाके ट्राई कर, जा जा निकल। आ गए लौट के बबुआ। अरे हाँ भैया, एक दिन रह के पता चल गई मेरी औकात, मैं नहीं जी सकता भैया उस घुटन में, प्लीज मेरा चेंज करा दो भैया। बहुत देर हो गई, फिर भी उनसे बात कर ले। क्या यहाँ किस लिए आया? अबे हॉस्टल चेंज, भाग साला इधर से, साला 100-100 लिस्ट पड़ा हुआ है, हम किनका किनका चेंज करें? लूजर्स में हो लूजर्स में रहो, वरना निकलो इस स्कूल से। अरे भैया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया, एक बार ट्राई कर लो यार। लसन मेरा चप्पल किधर है रे? बेटा तुम बहुत बड़े गलती कर दियो, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, देख लेना मैं बहुत बड़े हरामी हूँ, मेरी जरूरत पड़ेगी तुझे। यार अब तो पूरा मूड ही खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं, लूजर्स कहीं कॉलेज में रह लेंगे। अबे शिक्षा सब कुछ ठीक है, बट मुझे ये बता इस कॉलेज में एक भी लड़की नहीं है क्या बे? ये साला लड़की की बात करता है, पीछे देख। अबे वो तेरी एक के पीछे 20-20। ये तो गजबे हो गया, ओला जादू। देख
सुनने में आ रहा है कि ग्रुप डी के लूजर्स वाले ग्रुप में एक काफ़ी टैलेंटेड लड़का चला गया है, जिसमें रेसिंग की प्लस में कबड्डी की हॉबीज हैं। उसको ऑफर करो कि ग्रुप सी वाले तुम्हें लेना चाहते हैं, वो जरूर आएगा। भैया क्या प्लान है आज, मतलब अगली बार फिर से हराओगे क्या उन लूजर्स को? और नहीं तो क्या, जरूर हराएंगे, लेकिन मुझे उस लड़के से डर लग रहा है, इसलिए उसको यहाँ आने का ऑफर दे। भाई तू तो ग्रुप डी वालों से बहुत परेशान था ना, जाते को ग्रुप सी वालों ने ऑफर किया है, अब तो तू भूल जाएगा ना हमें? क्या सच में? यार प्लीज हमें छोड़ कर मत जाना, हम भले ही हरामी है लेकिन तेरे दोस्त हैं यार। चिंता मत कर यार, तू मेरा दोस्त है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस मिल के आता हूँ, देखते हैं क्या ऑफर करते हैं। लव यू यार, तू सच में हमारा दोस्त है। फादर जात साला जा, उनकी मुंह तोड़ जवाब दे के आना। ओ तेरी क्या हॉस्टल है भाई ग्रुप सी वालों का, मानना पड़ेगा यार। हाँ भाई, वो आपने बुलाया था? आओ आओ अनिरुद्ध, बैठो बैठो, तुम्हारा ही तो इंतजार था। अरे आप लोगों का शुक्रिया, एंड आपका हॉस्टल भी काफी कमाल है। अरे क्या यार, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड लड़का उस सड़े हुए ग्रुप सी में बैठा हुआ है। तुम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, हम चाहते हैं तुम ग्रुप सी की तरफ से खेलो, कबड्डी में भी और रेसिंग में भी। यहाँ स्पोर्ट्स भी होता है क्या? यहाँ हर साल स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा मुकाबला होता है, जो कि परसों से है, जिसमें कि तुम्हारे हॉस्टल वालों ने एक बार भी जीता नहीं है। जीता क्या, कंपटीशन भी नहीं दिखा पाए, लास्ट आते हैं, लास्ट लूजर्स हैं वो। भैया सॉरी, पर वो मेरे दोस्त है और मैं इस बार उनके साथ खेलूंगा। अरे तू पागल है क्या, हमारा मतलब हमारा तू रिक्वेस्ट ठुकरा रहा है? अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बस वो हमारे दोस्त बन चुके हैं। निकल साले, जल्दी से इधर से निकल, मार उस साले को, औकात दिखाता है साला। एक तो हम इसे ले रहे हैं इतने बड़े आलिशान हॉस्टल में, ऊपर से औकात दिखाता है, निकल साले। ये क्या हो रहा है यार? यार तू तो बड़ा दादा बनता ना, या क्या सुनने के लिए मिल रहा है यहाँ पे? क्या हो गया? परसों से मैच है और तुम्हें कोई मतलब हलक भी नहीं है? परसों से मैच है तो क्या जीत जाएगा? नहीं ना, फिर प्रैक्टिस करके क्या फायदा? यार जीतेंगे ना, तुम ट्राई तो करो एक बार, ट्राई करने में क्या जाता है, तुम लोग हार मान जाते हो। वो बहुत बेइज्जती कर रहा था, बोल रहा था आज तक एक बार भी नहीं जीते हम लोग। क्या बोल रहा था वो? लूजर्स लूजर्स बोल रहा था, और क्या बोलेगा। अनिरुद्ध मैं जानता हूँ तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, बट ये दोनों स्पोर्ट्स में अच्छे नहीं है, हम चाहते हुए भी नहीं जीत सकते अनिरुद्ध, तुम सुन लो ये बात। यार हम जीतेंगे, विश्वास करो मेरा, मैं दिखाऊंगा अपनी ताकत अपनी एबिलिटी। कैसे जीतेंगे बता जरा? कबड्डी में तिगड़म भिड़ाएंगे और रेसिंग मैं संभाल लूंगा, बस तुम लोगों का साथ चाहिए। बोलो साथ दोगे? हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा मो मैं भी साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो। चल फिर कल दिखाता हूँ तुझे एक तिगड़म। तो गाइस तिगड़म नंबर वन रेडी है, देखने के लिए रेडी हो क्या? शिक्षा सेक्सी लग रहे हो आज तो। कमा आज तो मूड में लग रही है रे। चूतिया साला, देख मिल तिगड़म नंबर वन से, जरा अंदर आ जाओ। ए भाई कबड्डी गई गांड मराने, मैं चला मजे लेने, हट साले तेरा आज नहीं सुनूंगा। अबे चुपचाप से जाकर बैठ साला, अजीबी हरामी है बे। अबे तिगड़म नंबर वन है ये, दिमाग उतना मत लगा साले, बैठ शांति से। गांड फाड़ दूंगा सेक्सा, शांति से बैठ, उसकी बात सुन। अरे कोई बात नहीं है सीट भाई, बच्चा है पिघल जाता है। चलो मैं बताता हूँ तिगड़म नंबर वन क्या है। तिगड़म नंबर वन है कबड्डी, कबड्डी में हम ऐसा जीत नहीं सकते, तो हम कैसे करेंगे, हम इसको बीच में अचानक से ले आएंगे, जिसके कारण जितने भी इस ग्रुप सी वाले के प्लेयर्स होंगे सारे इसको देखने लग जाएंगे और धीरे धीरे करके हम जीत जाएंगे। तिगड़म नंबर वन जरूर सक्सेसफुल होगा। अरे तू तो बड़ा चालाक निकला रे अनी, सही कह रहे सही है, चल 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 चल, मैच स्टार्ट होने को होगा, चल चल। बेस्ट ऑफ लक एनी। थैंक यू। चलो उनकी तरफ से पहली रेड है, हम रेडी हैं, चलो आ जाओ, भेजो अपने रेडर को। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे अरे ये क्या है? अरे तू तो गया, चल 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 निकल साले। Ha 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 ha
अब मेरी रेड की बारी है, मैं जा रहा। कबड्डी 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 साले कैसा फट्टू है उधर ताकते रह गए। हम लोग जीत गए कबड्डी, हम लोग जीत गए कबड्डी, जीत गए। अब मैं चला मजे लेने। ए भाई ये शिक्षा कितना हरामी है। Yes, मैंने कर दिखाया, जीत गया मैं। तो यहाँ पर ग्रुप सी के बंदे जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू सर। और इन चूजों को समझाइए घमंड करना बहुत गलत है, हार गए हैं आज।